हेलो दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हॉबीज विद एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है इंदौरी पोहा। इंदौरी पोहा इंदौर में ही नहीं, पूरा एमपी में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप एमपी कभी गए हो तो आपको पता होगा कि एमपी में हर जगह पोहा और जलेबी खाने को मिलते हैं। तो आज हम उसी तरह से पोहा बनाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता, तो मैं भोपाल की ही रहने वाली हूँ इसीलिए मुझे ये पता है। तो इस तरह से बना के ज़रूर देखिए, बहुत बढ़िया लगते हैं पोहे और आपको ज़रूर पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ मैंने पोहे को अच्छे से साफ़ कर लिया है, पहले छान लिया है, उसके बाद हम यहाँ धो रहे हैं। तो धोने के लिए मैंने ऐसा बर्तन लिया है जिसमें पानी रुके ना। तो आप देख सकते हैं जल वाला है ये बर्तन, तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। तो मैंने अच्छे से धोने के बाद इसे 15 से 20 मिनट हमें छोड़ देना है ताकि पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अब इसके क्या क्या सामग्री लगेगी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ मैं ले रही हूँ प्याज एक मीडियम साइज़ का, 4-5 हरी मिर्ची, एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और आधी कटोरी के करीब फ्रोजन मटर लिया है। अगर आप मटर नहीं है तो आप सिके हुए मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं। यहाँ आधी चम्मच राई और आधी चम्मच जीरा ले रही हूँ मैं। इसके बाद हम लेंगे 1 चम्मच के करीब सौंफ और 1 चम्मच खड़ा धनिया है। खड़े धनिया को हाथ से क्रश कर लेना है हमें ताकि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए और हम इसका उपयोग कर सकें। चलिए अब देख लेते हैं पोहे के क्या हाल है। 15-20 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ देखिए पोहा बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है और मैं 1 चम्मच की मदद से इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ। आप हाथ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ताकत लगा के इसे करेंगे तो पोहा पूरी तरह से मैश हो जाएगा। और ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से पोहा खिले खिले बनते हैं। तो इसको ज़रूर करिए। और यहाँ अगर आपने ध्यान दिया है तो मैंने नीचे ऑलरेडी एक प्लेट रख ली है क्योंकि मैं इसी स्टेज के बाद हम यहाँ पे मसाले डालेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको गुठली फोड़ते हुए इसे पूरी तरह से ऊपर नीचे कर लेना है, मिला लेना है ताकि एक एक पोहा खिल जाए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ दोस्तों मसाले। तो मसालों में ले रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी और 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे नमक। तो यहाँ हम 1 चम्मच में नमक डाल दिया है मैंने और 1 चम्मच में बाद में डालूंगी, तो वो भी आपको शेयर करूँगी मैं कि कब डालने वाली हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 चम्मच शक्कर और शक्कर भी मैं 1 चम्मच बाद में डालूंगी। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो भी मसाले नीचे निकल जाएंगे प्लेट में तो वो भी हम दोबारा यूज करके डाल देंगे। इसके बाद ले रही हूँ मैं 1 बड़ा नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप टार्टरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, नींबू का सत्व भी बोलते हैं, उसे पीस के डाल दीजिए। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच भर के तेल डाला है। तेल की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा तेल लिया है मैंने। इसके बाद तेल गर्म होने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे राई और जीरा। राई तड़कने लगती है तभी हम डालेंगे सौंफ और धनिया। खड़ा धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, आप जरूर डालिए अगर आपके पास है ये। तो यहाँ पे इसके बाद मैं डाल रही हूँ प्याज हरी मिर्ची और साथ ही में डालेंगे हम आलू।
इसे अच्छे से मिक्स कर देना हमें। यहाँ हम प्याज को बहुत ज्यादा नहीं सेकेंगे, हल्का पिंक होने तक हमें इसे सेकना है। ये देखिए हल्का पिंक कलर आ चुका है और अब हम इसमें डालेंगे मटर। अगर आप मूंगफली यूज कर रहे हैं तो मूंगफली को पहले ही सेक कर डालिए। यहाँ हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और देखिए प्याज अच्छे से पक, आलू भी अच्छे से पक चुके हैं, प्याज भी पक चुकी है, मटर भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे पोहे। पोहे को हमें अच्छे से ऊपर नीचे कर देना है और आपको इसी तरह की चम्मच यूज करना है ताकि पोहा टूटे ना चलाते वक्त। यहाँ देखिए अच्छे से मैंने ऊपर नीचे कर दिया है और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे एक चम्मच और नमक और एक चम्मच और शक्कर। तो हमें फिर से इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे दोस्तों हम पोहे को ढककर पकाएंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे लिए कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पोहे एकदम बढ़िया से बन रहे हैं, तो हमें हिला लेना है, इसे ऊपर नीचे कर लेना है और हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रख कर इसे पकाएंगे, पकाना है हमें। तो यहाँ मैं धनिया डाल दूंगी गार्निशिंग के लिए। चलिए अच्छे से मिला लेते हैं इसे भी। दोस्तों अगर आपके पास अनार भी है, अनार के दाने हैं, तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगते हैं इसमें। दोस्तों अगर आपने बाहर कभी पोहे खाए हों तो आपने देखा होगा कि उन हलवाइयों के पोहे ग्रीन कलर के लगते हैं, तो वो थोड़ा ग्रीन कलर फूड कलर यूज करते हैं, इसी कारण से उनके पोहे जो है ग्रीन कलर रहता है हल्का। यहाँ मैं एक प्लेट में सर्व कर देती हूँ। दोस्तों एमपी में हमेशा पोहे के ऊपर सेव डाले जाते हैं, जो बारीक सेव आते हैं, मेरे पास वो नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नमकीन डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ कटी हुई प्याज। और जैसा मैंने कहा इसमें अनार के दाने भी यूज़ कर सकते हैं आप, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। तो देखिए मेरे दोस्तों पोहे बनके रेडी हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।